तेलंगाना में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की पंढरपुर तहसील में भारी बारिश के चलते 8,000 से ज्यादा अधिक लोगों को निकाल कर सुरक्षित कर स्थानों पर भेजा गया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने बुधवार को दावा किया कि हरियाणा की भाजपा नीत सरकार दिल्ली के प्रदूषण का कारण है। उन्होंने आगे दावा ये भी किया कि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा श्रेणी प्रतिक्रिया कार्रवाई योजनाएं लागू किए जाने के बावजूद भी हरियाणा ने डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध नहीं लगाया और वहीं उन्हें प्रदूषण का कारण बताया। ओडिशा में 2,470 और लोगों को कोरोना वायरस पाया गया है। जी हां, जिससे राज्य में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 2,62,000 हो चुकी हैं, जबकि 17 और मौतें होने से राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 1,000 हो गई है। बच्चेदानी के कैंसर के मुकाबले स्तन कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 4 दशक तक बच्चेदानी का कैंसर जानलेवा बना हुआ था, लेकिन अब स्तन कैंसर अधिक जानलेवा साबित हो रहा है। देश में हर साल स्तन कैंसर के लगभग 1,55,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों के सामने एक शख्स की हत्या के बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर आरोपी को भगाने का आरोप लगाया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर मौजूद SDM, CO और दूसरे पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। पाक ने सीमापुर से फिर हिमाकत की है। पूंछ के मानकेट सेक्टर में LOC पर सरहद पार से पाकिस्तान ने फिर गोले दागे हैं। कठुआ में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें एक स्थानीय निवासी जख्मी हो गया। केंद्र सरकार ने गुरुवार को तत्काल प्रभाव से रेफ्रिजरेटर्स और साथ में ही एयर कंडीशनर्स के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं सरकार का ये कहना है कि इस तरह के सामान के आयात में कमी लाने का मतलब सीधा सा मतलब यह है कि घरेलू उत्पादन को बढ़ाना है। दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने हर्बल प्रोडक्ट के कारोबार में फायदा दिलाने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप में एक विदेशी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देश की सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्र सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट का परिणाम शुक्रवार यानी आज जारी होगा। बीते 13 सितंबर को मेडिकल में दाखिले के लिए 14.37 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसके नतीजे घोषित होने पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट NTA NEET.NSC.IN पर अपना परिणाम देख सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले इतिहास में दर्ज होते हैं। एक ऐसा ही फैसला कल हुआ, बेहद अहम है ये फैसला, खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जिनका ससुराल पक्ष से विवाद हो रहा है। अब ऐसी महिलाओं को हक है कि वो अपने पति के घर या कहें सास ससुर के घर पर रहें। ये अधिकार पहले नहीं था। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने इस मामले में पहले दिए फैसले को पलट दिया।